हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो, सो येस्टरडे हम लोग खत्म कर दिए थे ऑल द वेरिएंसेस इन रिस्पेक्ट टू मटेरियल। याद है आपको? बोलो हाँ या ना। यस yes. आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कौन से वेरिएंसेस? लेबर वेरिएंसेस। आज लेबर वेरिएंसेस करेंगे, लेबर वेरिएंसेस के प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग वेरिएबल जो ओवरहेड्स में भी वेरिएबल ओवरहेड्स आएगा वो वाला पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। करेक्ट है ना? सो आज हम लोग दो कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, फिर उसके बाद वी विल स्टार्ट विथ टुमारो फिक्स्ड ओवरहेड्स। सो फिक्स्ड ओवरहेड वुड बी द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। फिर उसके बाद आगे के जितने भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स किसके लिए रहेंगे? ओनली एंड ओनली फॉर प्रैक्टिस। मतलब वो कंबाइंड रहेगा, मतलब आपको सारे वेरिएंसेस निकालने, एक ही क्वेश्चन में मटेरियल, लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, सारे वेरिएंसेस आपको निकालने हैं। मतलब ऐसे प्रैक्टिस वाले डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। करेक्ट? ओके। सो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट। वो कौन सा होगा बच्चों? लेबर वेरिएंसेस। ठीक है, अभी पहले सुनने का, समझने का, अच्छे बच्चों के से जवाब देने का, फिर उसके बाद हम लोग इसको नोट करेंगे एंड देन एकदम मस्त फटाफट हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। राइट? चलो। सो अभी लेबर वेरिएंसेस जो हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ पे मेरी बात समझना, लेबर वेरिएंसेस इज सेम डिटो लाइक व्हाट? मटेरियल वेरिएंसेस। अगर आपको मटेरियल वेरिएंसेस पे कॉन्फिडेंस है तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ लेबर वेरिएंसेस। चलो देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लेबर वेरिएंस में बात करेंगे किसकी? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। जैसे आपको याद होगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था, बोलो यस और नो। यहां पे वो क्या हो जाएगा? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है ना? मुझे आप इसका फॉर्मूला बता सकते हैं क्या? कम ऑन, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है यहाँ पे? खुद से पढ़ाया कुछ भी नहीं, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला आएगा। लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे आएगा? क्या स्टैंडर्ड आर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये आर्ली बेसिस पे करते ना? अरे अपने लेबर चैप्टर में पढ़ा है ना, तो ये आर्ली बेसिस। वहां पे क्या था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यहां पे क्या होएगा? स्टैंडर्ड आर्स। बोलो यस और नो। माइनस क्या करेंगे? एक्चुअल आर्स इनटू एक्चुअल रेट। ये क्या हो गया आपका? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। एकदम आसान है क्या? डाइजेस्ट करो इसको, समझने की कोशिश करो। बोलो जम रहा है क्या? जहां वहां क्वांटिटी था, यहां वो क्या रहेगा? आर्स। मटेरियल से यूनिट्स बनते हैं, लेबर्स को पे किया जाता है आर। करेक्ट है एकदम? यस। फिर उसके बाद ये हम लोग को मिलने के बाद हम लोग अभी इसके सब वेरिएंसेस में जाएंगे। यस और नो? यस। तो सब वेरिएंस जो पहला होगा वो होगा लेबर रेट वेरिएंस। कौन सा? लेबर रेट वेरिएंस। अब ये किससे मिलता जुलता होगा? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। समझ रहे मेरी बात को? सो मटेरियल रेट वेरिएंस, सॉरी मटेरियल प्राइस वेरिएंस की जगह पे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेबर रेट वेरिएंस। डिफिकल्टी कुछ भी नहीं, अरे बहुत एकदम मस्त चैप्टर है ना? खामखाड लोग डिफिकल्ट बोलते हैं इसको, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। चलो बोलो, लेबर रेट वेरिएंस क्या करने का? अब जो लेबर को रेट दिया जाएगा वो किस बेसिस पे दिया जाएगा? हाँ, एक्चुअल आर्स के बेसिस पे। एक्चुअल आर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या था अपना? एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ऐसा होता था ना, स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे रेट, वहां पे प्राइस वेरियंस, यहाँ पे रेट वेरियंस। बोलो एनी डिफिकल्टी? नो सर, वेरी इजी। उसके बाद यहां पे हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस था। अब लेबर यूसेज नहीं बोल सकते ना, बोल सकते क्या? लेबर को यूज किया, यूसेज कितना लेबर गया अंदर, नहीं। हम लोग यहां पे वर्ड यूज करेंगे, भावनाएं सेम होगी, बोल अलग होगे। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस।
क्या बोलेंगे बच्चों, लेबर एफिशिएंसी। अब जैसे यूसेज इतना लगाया तो इतना आउटपुट मिला, तो सेम वे में हम लोग क्या कह रहे थे, यहाँ पे उसकी कितनी एफिशिएंसी होगी। करेक्ट है एकदम, बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा। मतलब जैसे हम लोग क्या कहते हैं, 10 यूनिट्स आउटपुट मिलना चाहिए था, सॉरी 10 यूनिट्स का इनपुट देना चाहिए था, दिया आपने 12 यूनिट्स का इनपुट। सेम वे में आपने यहाँ पे क्या करना है, 10 घंटे का आपको क्या देना चाहिए था, इनपुट समय देना चाहिए था, आपने दिया 12 घंटे का, तो आपकी एफिशिएंसी कैसी थी, कम या ज़्यादा। सो यहाँ पे क्या बोलेंगे उसको, लेबर एफिशिएंसी। सो लेबर एफिशिएंसी के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, वेरी गुड। सो उसकी एफिशिएंसी जज करने के लिए हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स। एकदम आसान है, बोलो हाँ या ना, यस वेरी गुड। एनी वन एनी डिफिकल्टी, पक्का पक्का श्योर एकदम, यस। ये लेबर एफिशिएंसी को ही, अभी जरा ध्यान देना, लेबर एफिशिएंसी को ही कैलकुलेट करने के लिए एकदम मस्त ध्यान देना, ये लेबर एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए ही वी मे हैव वन मोर कॉन्सेप्ट टू कैलकुलेट व्हाट, टू कैलकुलेट व्हाट, लेबर एफिशिएंसी। उसके मतलब वही आंसर आएगा अपना, बस क्या है वो, दूसरे सिचुएशन में ऐसी बात कर रहे हैं। मतलब क्या है वो, ये जो सेकंड वाला पार्ट जो है ना, हम लोग कब यूज करेंगे, व्हेन देयर इज व्हाट, आइडल टाइम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेबर चैप्टर में पढ़ा है, आइडल टाइम होता है फिर भी हम लोग उस आइडल टाइम का पैसा लेबर को देते हैं। लेबर क्या बोलेगा, मेरी गलती है क्या साहब, तुमने मटेरियल टाइम पे नहीं लाया, बराबर मशीन तुम्हारे ब्रेकडाउन हो गई, मैं तो आया ना काम करने के लिए, मेरे को मेरा पैसा मांगता, ये पढ़ा था ना अपन ने लेबर में। सो ही विल बी पेड फॉर व्हाट, आइडल टाइम। वो आइडल टाइम चाहे नॉर्मल हो या अबनॉर्मल हो, उसको पैसा मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा। तो हमको अगर ये एफिशिएंसी को एकदम बारीकी से अगर देखना होगा, तो हम लोग उसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे कि एक नेट एक्चुअल आर्स, क्या नेट एक्चुअल आर्स, उसका वेरिएंस कितना है, और दूसरा आइडल टाइम का वेरिएंस कितना है। समझ में आ रही बात आपको, बोलो नहीं, बोलो ना नहीं, हाँ नहीं बोलने का, नहीं बोलो, नहीं समझा, नहीं समझा। सो फॉर्मूला ओवर हियर विल बी व्हाट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं समझाता हूँ आपको एकदम बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे हम लोग वर्ड्स क्या यूज करेंगे, फर्स्ट लेबर, जैसे एफिशिएंसी है ना वहाँ पे, सो वहाँ पे वर्ड क्या यूज करेंगे, आइडल टाइम अगर होगा तो लेबर का नेट एफिशिएंसी, नेट मतलब कट टू कट, तूने एक्चुअल कितना काम किया वो बता, समझे नहीं समझे। सो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इट विल बी स्टैंडर्ड रेट, वो तो सही है एकदम, बोलो बच्चों हाँ, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आर्स, ये भी सही है, माइनस एक्चुअल आर्स नहीं बोलेंगे, माइनस नेट एक्चुअल आर्स, नेट एक्चुअल आर्स। एंड व्हाट इज नेट एक्चुअल आर्स, व्हाट इज नेट एक्चुअल आर्स, एनीवन, टोटल आर्स माइनस एक्चुअल आर्स वर्क्ड, बोलो यस और नो, नो कुछ भी, कैसा भी कहीं ध्यान ही नहीं है आपका। अरे टोटल आर्स माइनस, बस मैं चेक कर रहा हूं कि सर तुम बोलो बस, हम तुम्हारे साथ हैं सर, सुबह सुबह डाउट नहीं करेंगे आप पे, यू डोंट वरी एट ऑल। क्या यार, बोलो कोई तो अभी गलती निकालेगा, टोटल आवर्स माइनस व्हाट, आइडल टाइम, तो क्या हो जाएगा नेट एक्चुअल आवर्स वर्क। मतलब अगर वो 10 घंटे काम किया है, उसमें के 2 घंटे ये क्या है, आइडल टाइम है,
तो उसने नेट कितने घंटे एक्चुअली काम किया, 8. तो हम लोग स्टैंडर्ड में से माइनस क्या करेंगे, नेट एक्चुअल आर्स को माइनस करेंगे. क्या बोल रहा बेटा, पूछो डाउट है तो. 2 घंटे आइडल टाइम है, उसका भी पैसा देंगे चपन, बट अगर मेरे को उसका नेट एफिशिएंसी, नेट कट टू कट कितना काम किया वो फाइंड आउट करना है, तो क्या होएगा, क्या होएगा, मैं टोटल आवर्स में से वो आइडल टाइम माइनस कर दूंगा. आई बात समझ में? अब यहां पे क्या बचता है फिर मेरे पास, कौन सा वेरिएंस बचेगा, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस. बोलो ना रे बच्चों, कौन सा वेरिएंस बचेगा, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस वही बचेगा ना. तो वो क्या होगा, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, सिंपल फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय, हाँ हाँ, मल्टीप्लाइड बाय आइडल टाइम. सीधा स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय आइडल टाइम, अरे वही बचता है ना क्योंकि मेरे पास. फिर सर ये स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय आइडल टाइम, सर ये जो होगा ये फेवरेबल होगा कि एडवर्स होगा. यहां पे आपने माइनस कुछ किया ही नहीं, फिर इसको फेवरेबल लिखेंगे एडवर्स लिखेंगे, सर क्या लिखेंगे, इट विल ऑलवेज बी एडवर्स. पूछो क्यों, अरे आइडल टाइम ही अच्छी बात है कि बुरी बात है, तो ये हमेशा क्या रहेगा. हाँ, सो यहां पे हमने क्या किया था, ये वाले फॉर्मूलों में दोनों इकट्ठा ले लिया था, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल आवर्स. यहां पे हमने एग्जांपल में 10 घंटे लिए थे, यहां पे हम लोग लेंगे कितने, 8 घंटे और 2 घंटे यहां पे मल्टीप्लाई. इफेक्ट तो दोनों का एक ही आएगा ना. हाँ, बट कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में आपको बोलते हैं आइडल टाइम वेरियंस निकालो और नेट एफिशियंसी वेरियंस निकालो, तो उसी को हम लोग को बांटना है. तो हम लोग प्रॉब्लम दोनों वे से सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के लिए. समझा नहीं समझा, सो ये डिफिकल्ट है क्या कुछ, मतलब है ये दोनों सेम ही चा, मतलब ये एफिशिएंसी, ये दोनों मिला के भी एफिशिएंसी, बस एफिशिएंसी के हमने 2 टुकड़े किए हैं. कौन से है वो, एक तो नेट एफिशिएंसी और दूसरा है, वेरी गुड. जमी क्या बात, किसी को यहां पे डिफिकल्टी है तो पूछो, ये पूछना पड़ेगा. क्वेरी एनीवन? सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो गया, लेबर रेट वेरिएंस हो गया, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हो गया. अब एफिशिएंसी को भी तो मेरे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड करते कि नहीं करते, मतलब जैसे यूसेज के 2 बच्चे कौन से थे, एक यील्ड वेरिएंस था और दूसरा मिक्स वेरिएंस था, करेक्ट है ना. तो सेम वे में यहां पे हम लोग को क्या मिलेगा, लेबर मिक्स वेरिएंस और दूसरा क्या होगा, लेबर यील्ड वेरिएंस. सो इसका फॉर्मूला क्या है, बोलो, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स बराबर, मतलब ही क्या होगा, रिवाइज्ड एक्चुअल आर्स, स्टैंडर्ड मिक्स क्या हो जाएगा, रिवाइज, इतने इतने घंटे देने चाहिए थे, तुमने एक्चुअली कितने कितने घंटे दिए, अरे बच्चों बोलो ना. जैसे वहां रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी लिखते थे, यहां पे क्या लिखेंगे, रिवाइज एक्चुअल आर्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस. सो रिवाइज एक्चुअल आर्स माइनस एक्चुअल आर्स, ये बन गया आपका कौन सा मिक्स, मतलब कौन सा वेरियंस, लेबर मिक्स वेरियंस. एंड यहां पे यील्ड वेरियंस को क्या बोलेंगे अपन, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आर्स माइनस रिवाइज एक्चुअल आर्स. जम रहा है क्या? एंड अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये अपने सारे लेबर वेरिएंसेस के फॉर्मूले ओवर, कुछ भी नहीं है और. बोलो जमा गया आपको? बट फिर सर यहां पे लेबर में मिक्स कैसा आएगा, वहां पे तो मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी हुआ करता था. लेबर में अलग अलग कैटेगरी के, इतने बॉयज, इतने गर्ल्स, इतने चिल्ड्रन थे कंस्ट्रक्शन साइट पे, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, इतने है कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो वैसा मिक्स आएगा वहां पे. आई बात समझ में आपको?
बच्चों यस विद दिस वी कंप्लीट विथ व्हाट लेबियर वेरियंसिस के फॉर्मूलास. एक बार उसको घूरो निहारो समझो. 30 सेकेंड्स मैं आपको देता हूँ, फिर उसके बाद आप ये वेरियंसिस को लिखना चालू करो. पहले समझो, देखो स्क्रीन पे, किसी में डाउट है तो पूछना पड़ेगा, फिर अपन एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उससे और क्लैरिटी आएगी. मुझे बताओ, एकदम अच्छे बच्चों के जैसे हम, मैं आपको फॉर्मूला बोलूंगा, कौन सा? मटेरियल वाला. आप लेबर में लगाना उसको और देख के आंसर देना. ध्यान देना रे बेटा, ध्यान देना. मटेरियल कॉस्ट वेरियंस का फॉर्मूला क्या है? मैं बोल रहा हूँ आप फिर लेबर का बोलना है, देख के नहीं देख के आपकी मर्जी. मटेरियल कॉस्ट वेरियंस का फॉर्मूला आता है स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी. तो ये अगर मटेरियल का है, लेबर का क्या हो जाएगा? माइनस एक्चुअल आर्स इंटू एक्चुअल रेट. इजी है, वेरी गुड. फिर उसके बाद आता है मटेरियल प्राइस वेरियंस, उसके जगह पे लेबर में क्या आएगा? लेबर रेट वेरियंस. बहुत सही. सो बच्चों, मटेरियल प्राइस वेरियंस का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस. सो यही आप मुझे अभी लेबर रेट वेरियंस का फॉर्मूला बताओ. एक्चुअल आर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट. वेरी गुड. फिर उसके बाद मटेरियल यूसेज वेरियंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी. सो यहां पे लेबर के लिए वर्ड क्या होगा? लेबर. यूसेज वेरियंस के लेबर एफिशिएंसी वेरियंस. एफिशिएंसी वेरियंस उसका फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स. क्वांटिटी विल बी सब्स्टिट्यूटेड विद व्हाट? आर्स. वेरी सिंपल. अब उसके बाद पहले वो अपना आइडल टाइम वाला साइड में रखते हैं, बेसिक जो अपने को मटेरियल में पढ़ा था वो अपन कर लेते हैं. तो क्या होएगा यहाँ पे? दो वेरियंसेस. कौन से भैया? एक तो यील्ड वेरियंस एंड मिक्स वेरियंस. मटेरियल यील्ड, मटेरियल मिक्स, सेम वे में लेबर यील्ड, लेबर मिक्स. मटेरियल यील्ड वेरियंस का फॉर्मूला, मटेरियल मिक्स वेरियंस का फॉर्मूला. पहले मटेरियल मिक्स वेरियंस का. मटेरियल मिक्स वेरियंस का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी. सेम वे में यहाँ पे लेबर मिक्स वेरियंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय रिवाइज्ड एक्चुअल आर्स माइनस एक्चुअल आर्स. एंड अब मटेरियल यील्ड वेरियंस का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी. सेम वे में यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आर्स माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल आर्स. इजी एकदम. अब यहाँ पे एफिशिएंसी में स्पेसिफिकली अगर पिन पॉइंट करना है, एफिशिएंसी में आइडल वेरिएंस कितना है और नेट एफिशिएंसी कितना है, सो फॉर्मूला क्या रहेगा अपना? वही, बस आर्स चेंज होंगे. वो क्या होगा? स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आर्स माइनस नेट एक्चुअल आर्स. एंड आइडल टाइम का वेरियंस क्या होगा? सिंपली स्टैंडर्ड रेट इनटू द आइडल टाइम विच विल ऑलवेज बी एडवर्स. माय डियर फ्रेंड्स, आर वी कंफर्टेबल विथ लेबर वेरियंसेस? यार कोई डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, अपन एकदम मस्त आराम से लेट लेट के पढ़ रहे, बराबर ही नहीं? तो वो दिमाग में फिट होना चोना. बोलो क्लियर एकदम? यस. नोट दिस डाउन, देन वील इमीडिएटली सॉल्व वन प्रॉब्लम. नेट एफिशिएंसी जरूरी नहीं. अरे भैया, अगर नेट एफिशिएंसी ये जरूरी नहीं है कि ये एडवर्स ही रहे हमेशा, ये फेवरेबल आ सकता है. जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तब आपको क्लियर आइडिया आ जाएगी, डोंट वरी एट ऑल. लेबर रेट वेरिएंसेस में फिर नेट एफिशिएंसी टाइम
किधर बेटा? हाँ, वहाँ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटा आप समझो, आप जो पे कर रहे हो ना रेट, वो किस पे करोगे? एक्चुअल आर्स पे। आइडल टाइम से तुम्हारी एफिशिएंसी पता चलती है, तुम्हारा रेट पता चल रहा है एफिशिएंसी। तो इसीलिए हम लोग लेबर रेट वेरिएंस में, भाई कितना एक्चुअल घंटे काम किया आइडल टाइम के साथ, उसका पैसा देंगे तेरे को, बट रेट के डिफरेंस का हम लोग वेरिएंस निकालेंगे। आई बेटा बात समझ में? ट्राई करो पहले फॉर्मूला बिना देख के लिखने का, यू कैन डू इट। नो नो को सर, बुक खराब हो जाएगी। यस बच्चों, ओवर। आई बिलीव इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए, शैल वी प्रोसीड बच्चो? यस। चलो, सो कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्स।
Do you want to first solve independently or sir, aap saath mein solve karo isko? Yes, second question sir, hum independently solve karenge. First wala ch. Kyunki first wala easy rahega sir. Hum bhi bahut hushaar hai. Okay. The standard output of a product. EXE, aise kuch similar type ka question. जो अभी जो एग्जाम हुई ना मई जून 2019 वैसे टाइप का कुछ क्वेश्चन है ये देख लेना. द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्ट EXE इज 25 यूनिट्स पर आर इन अ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी एम्प्लॉइंग 100 वर्कर्स. द स्टैंडर्ड वेज रेट पर लेबर आर इज 6. इन अ 42-hour वीक the department produced 1040 units of EXE despite 5% of the time was paid was lost due to abnormal reason, idle time. The hourly wage rate actually paid were 6.2, 6, 5.7 respectively to 10, 30 and 60 workers. Compute relevant variances. फंस गए ना सर, खुद से सॉल्व करेंगे. फंस गए. थोड़ा ट्राई करो. पहले तो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है. आपको कुछ चीज़ें दिखेगी, थोड़ा हिंट देता हूँ. आपको दिखेगा स्टैंडर्ड रेट दे रखा है 6, यूनिफॉर्म है स्टैंडर्ड रेट, ठीक है. अब आपको निकालना है स्टैंडर्ड आर्स. एनीवन फॉर स्टैंडर्ड आर्स? 40. ऐसा कैसा? एक्चुअल आज बता दो. कम ऑन, द फोकस शुड बी फर्स्ट ऑन गेटिंग द बेसिक डेटा. एज आई ऑलवेज टोल्ड यू गाइज, मेरे को स्टैंडर्ड रेट मालूम, मेरे को एक्चुअल रेट भी मालूम. सोचो और सोचो, थोड़ा क्वेश्चन एक बार क्लियरली पढ़ो. क्लैरिटी आना चाहिए, क्लैरिटी. कम ऑन, 42 आवर्स इज नॉट एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स. एनीवन? 1050 इज व्हाट? स्टैंडर्ड आवर्स. कैसे? मैं बोलूँ क्या? ये बोल दिया तो फिर ख़त्म ना, फिर आंसर ही चाह गया फिर. बाकी तो आप वेरियंसिस के फॉर्मूले लगा के आप तो डाल सकते. बेसिक डेटा में मैजिक है, वो आया बस लाइव झिंगा लाला. चलो बताओ क्या. तो उसकी भी तो इज्जत होंगी ना कुछ. बोलो. ओके, आप घूरते बैठ रहे हो, मैं भी आपको घूरते बैठ रहा हूँ. कुछ बात आगे जम नहीं रही है, बात करते हैं यहाँ पे. द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्ट इज 25 यूनिट्स पर आर इन द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी एम्प्लॉइंग 100 वर्कर्स. बराबर के नहीं? सो यहाँ पे ध्यान से सुनना, अभी लिखने का नहीं, अभी सिर्फ मेरे साथ समझने का. सो फर्स्ट, 25 यूनिट्स
को बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 1 आवर इंटू 100 वर्कर्स इज इक्वल टू 100 आवर्स. 25 यूनिट्स को बनाने के लिए सेंटेंस पढ़िए ना. स्टैंडर्ड आउटपुट 25 यूनिट्स पर आवर इन द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी एम्प्लॉइंग 100 वर्कर्स. सो 100 लोग काम कर रहे हैं ना, 100 लोग एक एक घंटा काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 घंटे काम हो गए टोटल. 100 लोग एक घंटा काम कर रहे हैं मतलब कितने घंटे काम किया? 100 घंटे. बोलो यस और नो. और उसमें कितने यूनिट्स बने? 25. सो यहां पे देयरफॉर स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर 1040 यूनिट्स कितना होगा? स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर 1040 यूनिट्स क्या करेंगे अपन? क्या क्या करेंगे क्या अपन बताइए ना. 1040 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 25. क्या कैसे करेंगे? बेसिक मैथ्स आपका, कम ऑन बोलो ना. 25 यूनिट्स को 100 आवर्स लगते हैं, बराबर के नहीं? सो 1040 यूनिट्स को कितने लगेंगे? सो 100 आवर्स को डिवाइड करेंगे कितने से? 25 यूनिट से. तो एक यूनिट के लिए कितना घंटा लगा वो मिलेगा? बोलो हाँ या ना. मल्टीप्लाइड बाय कितने एक्चुअल यूनिट्स हो गए? 1040 यूनिट्स. सो आंसर कम्स टू 4160 आवर्स. आई बात समझ में? अब जो छोरी तुम्हारा जो 41.6 आया था आंसर, तुमने बात सही करी थी, बस वो 100 से मल्टीप्लाई करना आप भूल गए थे. करेक्ट है एकदम? यस. तो वो 100 की इज्जत है बेटा. आई बात समझ में? यस. तो ये मेरा क्या हो गया? स्टैंडर्ड आज रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट. जैसे मैं निकालता था ना स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, वैसा ही. अरे बोलो बच्चों, कंपेरिजन करने के लिए बेस सेम होना चाहिए. यहाँ तक किसी को डिफिकल्टी है तो पूछ लो. नहीं? पक्का पक्का? थर्ड, टोटल एक्चुअल आवर्स कितना है? टोटल एक्चुअल आवर्स कितना है? 42 आवर्स वीक है. मतलब हफ्ते में कितने घंटे काम किया एक व्यक्ति ने? 42 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 वर्कर्स कितना हो गया एक्चुअल आवर्स? 4200. अब इसके बेसिस पे अब आपको गिवन स्टैंडर्ड रेट है आपको, वो तो आप इसका 95% आपका एक्चुअल आ जाएगा, 5% आपका क्या आ जाएगा. तो आपको अभी वेरियंसेस निकाल लेना भैया. चालू करते क्या अभी? अभी तो करो. एक्चुअल रेट भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेट भी दिया हुआ है. इंपॉर्टेंट क्या था बच्चों? इंपॉर्टेंट आपको ये स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स ये फाइंड आउट करना था बस. चलो अब 5 मिनट लगने चाहिए बस, फटाफट.
हुआ क्या दोस्तों? दोस्तों हुआ क्या? हाँ वो 6-0 ही लिखा था मैंने, वो शेप ले लिया उसने, उसका इमोशनल हो गया वो। अब हाँ जी बेटा, वैसे ही लेंगे ना अभी, इसलिए तो ब्रैकेट ब्रैकेट लिया है देख। हाँ बेटा कर सकते, टेबल कैसे बनाएंगे ना, क्योंकि टेबल की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, है क्या चेक कर। सो एक्चुअल रेट कितना है पहला? 6.2 इंटू एक्चुअल आर्स कितने हैं? 6.2 किस कितने लोगों के लिए दिया ये? 10। सो कितना होगा? 10 इंटू 42 ना, अरे बोलो रे। सो कितना होगा? 420 प्लस कितना? 6 इंटू हाउ मेनी? 30, मतलब कितना? 42 इंटू 30 1260 प्लस 5.7 इंटू 60 इंटू 40 2 2520। अगर ये आप चेक कर लो ना, 420 प्लस 1260 प्लस 2520 ऑब्वियसली इट कम्स टू 4200। बस रेट अलग अलग है इसके लिए अपन ऐसा कर रहे हैं उसको। किसी को डिफिकल्टी इसमें? डिफिकल्टी क्या चीज नहीं समझी? एक्चुअल आर्स 4200 आया, उसमें कोई डिफिकल्टी है ना? अब पहले तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्चुअल रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, करेक्ट है? सो बेसिकली माय एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर्स, दिस इज नथिंग बट आई वांट टू फाइंड आउट द एक्चुअल वेजेस पेड। बोलो बेटा, यस। सो हाउ डू यू फाइंड द एक्चुअल वेजेस? द नंबर ऑफ आवर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय द टाइम रेट पर आवर। बोलो यस और नो। बट सिंस अलग अलग लोगों को अलग अलग ये दिए, सो व्हाट आई डिड, उस 10 लोगों के लिए द 10 वर्कर्स वर्क फॉर 42 आवर्स अ वीक, सो टोटल नंबर ऑफ आवर्स 420 मल्टीप्लाइड बाय द रेट फॉर देम, राइट? 30 वर्कर्स वर्क फॉर हाउ मेनी आवर्स? 42 आवर्स।
बराबर, the rate paid was how much? 6 for them, and then 5.7 for remaining 60 workers. So 60 into 42, I get how many? 2520. If you add up 420 plus 1260 and 2520, what you get is 4200 only. Since the rates are different, we are calculating how many workers work for, the category of workers work for how many hours, multiplied by the rate given for them. Correct? Yes, simple. So, kya answer aaya apna? 4160 multiplied by 6. Ye hua ke kisi ka? 24960 minus 420. अब देखो जैसे एक एक लिखते मत जाना, 420 मल्टीप्लाइड बाई 6.2 मेमोरी प्लस करना. ऐसे किया क्या आपने? 420 इंटू 6.2 मेमोरी प्लस बराबर 1260 इंटू 6 मेमोरी प्लस 5.7 इंटू 2520 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल 24528 बोलो रे. और फिर मैं इसमें से माइनस करेगा क्या? 24960. सो क्या आता है मेरे को? 432. एडवर्स या फेवरेबल? बोलो रे, फेवरेबल. क्योंकि क्या बोला उन्होंने? 24960 लगना चाहिए था, बट आपको कितना लगा है? 24528. मतलब कम लगा ना आपको. सो इट इज़ व्हाट? फेवरेबल. किसी को दिक्कत है इसके अंदर? बोलो पक्का? ठीक है, नहीं बोलना मत बोलो. अभी सेकेंड क्या निकालेंगे अपन? लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट. सही है ना? हाँ. तो अभी इसको कैसे निकालेंगे? सो पहले अलग अलग ग्रुप है ना, तो वैसा वैसा निकालेंगे भैया. फिर प्रोपोर्शनेट निकाल लो. नहीं समझे? कर लो. या तो अगर ऐसा भी नहीं, अगर ऐसा भी नहीं जमता ना, तो देखो प्रोपोर्शनेट वगैरह खेलने की जरूरत नहीं है. फिर इसको आप एक्चुअल आर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट कर सकते हो माइनस एक्चुअल आर्स इंटू एक्चुअल रेट कर सकते हो. बराबर? अरे समझा नहीं समझा? दिमाग ज़्यादा नहीं लगाने का प्रोपोर्शनेट ओपोर्शनेट करने के लिए. इसको फॉर्मूला को, वो फॉर्मूला को ओपन किया ना. अरे नहीं समझे? हाँ. अब एक्चुअल आर्स तो मालूम है 4200, स्टैंडर्ड रेट मालूम है कितना? 6 माइनस एक्चुअल आर्स इंटू एक्चुअल रेट मालूम है कितना? 24528. अरे भैया नहीं समझे? 24528. नहीं समझा? प्रोपोर्शनेट में खेलने की क्या जरूरत है? हाँ समझ गए ना? किसी को दिक्कत है इसमें? फॉर्मूला को बस ओपन करने का, कभी ऐसे रिजिड नहीं रहने का. सो कितना आया? 25200 माइनस 24528 इज इक्वल टू 24528. क्या आया? 672 फेवरेबल. बोलो रे. तो समझा के मैंने क्या किया? हाँ बेटा. तो अरे छोरी ये, अरे 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 ये जो है ये वही तो किया है अपन ने. वापस वापस वही वही करने में अगर एग्जाम में तुमको टाइम बहुत होगा तो खेलते बैठो. मैं क्यों करूँगा वापस वापस जब ऑलरेडी मैंने वो मैथ कर लिया है? तो समझी क्या बेटा? गुड गर्ल. सिक्स क्या निकालना है अभी? सो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स. सही है ना एकदम? सो स्टैंडर्ड रेट क्या है मेरा? 6. स्टैंडर्ड आर्स कितने हैं? 4160. एक्चुअल आर्स कितने हैं? 4200. सो इज इक्वल टू कितना आया?
4160 माइनस 4200 इनटू 6 इज इक्वल टू 240 एडवर्स. और देखो वाला अभी रेट वेरिएंस 672 माइनस एफिशिएंसी वेरिएंस 240 आया क्या 432 लेबर कॉस्ट वेरिएंस टोटल. बोलो हाँ या ना. अब जैसे अपने को विद आइडल टाइम दिया हुआ है ना यहाँ पे, सो ये एक तरीका मैंने आपको बताया जब आइडल टाइम नहीं होता है तब ऐसे सॉल्व करने का. बट अब आइडल टाइम है तो इसी को मैं जरा स्प्लिट करके आपके लिए, आप अलग से अच्छे से लिखना बस मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए. अपन यहाँ पे लिखते हैं लेबर, एग्जाम में ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते. आई रिपीट, एग्जाम में ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते. हाँ सबको बोल रहा हूँ. सो लेबर नेट एफिशिएंसी वेरिएंस, सो व्हाट इट विल बी, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स माइनस नेट एक्चुअल आवर्स. स्टैंडर्ड रेट कितना है 6, स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं 4160 माइनस नेट एक्चुअल आवर्स 4200 इंटू 95%, 5% लॉस है ना. अरे बोलो ना. सो कितना आया 3990. सो कितना आया 6 इंटू क्यों करूँ मैं, मतलब डायरेक्ट आंसर लिखूँगा ना. 4160 इंटू 6 कितना आया 1020 एडवर्स या फेवरेबल. अरे यार कैसे बोल रहे यार तुम, 1020 क्या है फेवरेबल. जमा गया आपको, बोलो यस और नो. एंड फिर यहाँ पे नेक्स्ट लेबर आइडल टाइम वेरिएंस कितना है, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट इनटू आइडल टाइम कितना है, स्टैंडर्ड रेट 6 मल्टीप्लाइड बाय 4200 इंटू 5% 210 इज इक्वल टू 1260 वॉट. हमेशा एडवर्स रहेगा ये. अब दोनों को ऐड कर लो, देखो क्या मिलता है आपको, आया क्या 240 एडवर्स. तो ये दोनों मैच हो गया ना अपना. यही तो प्रूफ करना है मेरे को आपके साथ. 1020 माइनस 1260 आया क्या नेगेटिव 240, दैट इज 240 एडवर्स जो अपन ने टोटलिटी में निकाल लिया था. जमा गया दोस्तों. हाँ बट एग्जाम में ध्यान में रखना, ये तो अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके लिए. आइडल टाइम दिया है ना, जो ये और ये वाला जो है ना चुपचाप एग्जाम में यही निकालना, ये पूरा टोटल निकालते बैठना नहीं. ये अभी अपने को प्रूव करने के लिए, समझने के लिए अपन ने किया है. एग्जाम में दोनों तीनों करते बैठेंगे क्या, नहीं. सिर्फ डायरेक्ट नेट एफिशिएंसी एंड आइडल टाइम वेरिएंस निकालना है अपने को एग्जाम में. फिर उसके बाद क्या है अपने पास, लेबर मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस आएगा क्या, नहीं आएगा. मिक्स कहाँ दिया है ना, स्टैंडर्ड मिक्स दिया है क्या, नहीं तो आएगा नहीं. और फिर यील्ड वेरिएंस नहीं, यही खत्म हो गया अपना. जमा गया आपको, पक्का पक्का, यस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. जून 2019 का क्वेश्चन, ये नहीं रहे अभी सॉल्व करेंगे ना अपन, नहीं करना एग्जाम क्वेश्चन, अभी पढ़ा लिया ये. अब चेक करना है आता क्या नहीं आता और कितने नंबर का है, आईडिया भी नहीं होगा तुमको. 10 नंबर का क्वेश्चन है, पागल हो गए हो क्या. लेबर वेरिएंसेस, अरे भाई मैं बोल रहा हूँ ना तुमको, 10 नंबर का क्वेश्चन है. लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ तुमको, पूरा लेबर वेरिएंसेस के ऊपर क्वेश्चन है. 10 नंबर का क्वेश्चन, सीधा डायरेक्ट डम, क्या मजा आएगा. हाँ वैसे ही सब कुछ है. मैं बोला तुमको, अपन ने जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, मैंने आपको बोल दिया है कुछ भी पढ़ाऊंगा जिंदगी में, बट एक चीज़ है कि भैया आपको एग्जाम के एक दिन पहले कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है. हाँ ना लगाना ऐसे, थैंक यू वेरी मच, मेरी आंखें भर आई बेटा, आई एम सो हैप्पी. चलो लिखो लिखो, क्वेश्चन नोट करना मेरे साथ. अ गैंग ऑफ वर्कर्स normally
consists 30 skilled, 15 semi-skilled, 10 unskilled. They are paid at standard rate per hour as under skilled rupees 70, semi-skilled rupees 65, unskilled rupees 50. In a normal working week of 40 hours, the gang is expected to produce 2,000 units of output during week ended 31st March 2019. The gang consisted of 40 skilled, 10 semi-skilled, 5 unskilled workers. The actual wages paid were rupees 75, rupees 60 and rupees 52 per hour respectively. 4 ऐसा लिख के दिया है उन्होंने टेक्स्ट में, 4 कंफ्यूजन कैसा क्रिएट करेगा वो, चुपचाप नंबर लिखने का ना, 4 बच्चा इमोशनल होएगा यहाँ पे, 4 देखा मैंने आपको बोला ना, एग्जाम क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक चीज तो ऐसा लिखेंगे वो लोग कि वो चाहेंगे कि आप ये 10 नंबर छोड़ दो, अपन नहीं छोड़ने का. 4 आवर्स कैसा भी प्रॉब्लम रहे अपन सॉल्व करेंगे. 4 आवर्स वर lost due to machine breakdown, barabar, and 1600 units were produced. Calculate. एक तो क्या बोल देंगे, मैं अगर क्वेश्चन बनाता तो मैं बोल देता कैलकुलेट ऑल द लेबर वेरिएंसेस, बट इन्होंने आपको ऐसा दिया है, कैलकुलेट नंबर 1 लेबर कॉस्ट वेरिएंस, नंबर 2 लेबर रेट वेरिएंस, नंबर 3 लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, नंबर 4 लेबर मिक्स वेरिएंस, एंड नंबर 5 लेबर आइडल टाइम वेरिएंस. ऐसे आपको 5 वेरिएंस निकालने हैं, हर वेरिएंस के लिए
दो दो नंबर, ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा 10 नंबर के लिए एग्जाम में। क्या करते हैं भाई लोग, सॉल्व करो। डू यू वॉन्ट माई हेल्प? यस, 10 मार्क्स, कम ऑन, थोड़ा ट्राई करना है अपने को। फॉर्मूला सब आते हैं, बेसिक डेटा इकट्ठा करना है। अभी का एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कराया मैंने आपको, डायरेक्ट मैंने एग्जाम क्वेश्चन दे दिया, कितना मतलब आप पे भरोसा है मेरे को। हिंट चाहिए? दस नंबर देख के कितना दिल खुश होता है ना, क्या मतलब सर 10 नंबर। चलो सॉल्व, आई एम गोइंग टू गिव यू 10 मिनट्स फॉर 10 मार्क्स। एग्जाम में आपको 18-20 मिनट लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब अगर हिसाब से देखा जाए तो हर एक मार्क के लिए आपके पास 1.8 मिनट्स होते हैं, सो बेसिकली यू गेट 18 मिनट्स, बट आई विल गिव यू ओनली 10 मिनट्स बिकॉज यू आर सुपर टैलेंटेड किड्स। चलो वर्चुअल वालों आपको भी करना है, इमोशनल मत होना, तुम भी टैलेंटेड हो। रिमेंबर, अपने को वेरियंसेस निकालने के लिए क्या डेटा चाहिए होता है, अपने को सिर्फ दो डेटा चाहिए, एक तो रेट और आर्स। तो मैं आर्स कैसे लेके आऊँगा उसके ऊपर आपकी मेहनत होनी चाहिए। द क्वेश्चन इज गिवन यू नंबर ऑफ लेबर्स, रेफरेंस पिछला क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया है, फोकस करना फॉर्मूला में, मुझे आर्स होने, एक्चुअल आर्स होने, स्टैंडर्ड आर्स होने, कैसे निकालूंगा ये आपके लिए सवाल है।
मेरी कुछ मदद चाहिए? एटलीस्ट फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड आवर्स? नको? स्टैंडर्ड्स निकले बच्चों आपके? गुड. किसी ने वेरियंसेस कैलकुलेट करना चालू कर दिया क्या? गुड. कम ऑन बच्चा लोग, हरी अप.
स्टैंडर्ड आज पूछूं क्या मैं आपसे क्या नो को आंसर रिवील करना है नहीं करना चलो इन नेक्स्ट टू मिनट्स आई एम सॉल्विंग विथ यू गाइस क्या करी छोरी तू चलो सो लेट अस स्टार्ट नाउ. अपन एकदम मस्त इसको जोरदार तरीके से सॉल्व करेंगे. बेसिक फोकस करना है आपको. बेसिक में अगर गलती हो गई गड़बड़ हो गई तो भैया प्रॉब्लम है. ये अपन ने बहुत बार बोल दिया है. चलो सो हियर वी मूव ऑन टू द सॉल्यूशन ऑफ द एग्जाम क्वेश्चन विच इज फॉर वुपिंग 10 मार्क्स. ठीक है ना, ध्यान से सुनना. सो यहाँ पे ध्यान से सुनना. टोटल आर्स अभी पेंस डाउन. अभी आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है ना, एकदम मन लगा के ध्यान से. टोटल आर्स फॉर 2000 यूनिट्स कितने हैं? 40 आर्स मल्टीप्लाइड बाय 55 वर्कर्स. बोलो रे, ये किया गया? सो कितना आया? 40. अब भी ऐसा पिछला क्वेश्चन जो बेसिक कर रहे थे यार, उसमें भी गलती कर रहे. इनटू 55 कितना आया? 2200 आर्स. बराबर. देयरफॉर
standard hours for 1600 units. लेना पड़ेगा ना स्टैंडर्ड आर्स फॉर 1600 यूनिट्स लेना पड़ेगा अपने को. अरे बोलो ना, यही पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया ना. हाँ, सो कितना आया कि 2200 आर्स डिवाइडेड बाय 2000 इनटू 1600 यूनिट्स इज इक्वल टू 1760 आर्स. 1760 घंटे आने चाहिए. क्या गड़बड़ हो गई किसकी, किसका किसका ये 1760 घंटे आया? वेरी गुड. बाकी बच्चों का क्या गड़बड़ हो गया? हाँ, इसको एक्चुअल लिया. अरे रिमेंबर, एक्चुअल आउटपुट जो है ना, उस आउटपुट के लिए कितने स्टैंडर्ड आर्स चाहिए वो निकालना है ना अपने को. मिस्टर बटिंडा आया क्या आंसर? पक्का? ठीक है, रुको अभी आराम से, अभी ध्यान देना. अभी ये जो है 1760, ये क्या है, ये क्या है? स्टैंडर्ड, टोटल स्टैंडर्ड आर्स है, बराबर. अब इस टोटल स्टैंडर्ड आर्स में मेरे कितने कैटेगरी के लोग हैं? तीन. एक कौन से है? स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है और अनस्किल्ड है. सो इनका स्टैंडर्ड मिक्स, मतलब इनका जो मिक्स का जो रेशियो है वो क्या है, क्या दिया है उन्होंने? 30, मेरे को बोल दो ना, 30, 15 and 10. सो 30, 15 and 10. सो देयरफॉर स्टैंडर्ड आर्स क्या हो जाएगी इस रेशियो में बांटूंगा? अरे बोलो. सो 1760 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 30 इज इक्वल टू 960 आर्स. वी विल गिव इट फॉर हूम? स्किल्ड. अरे बोलो. 480 आर्स विल बी गिवन टू हूम? सेमी स्किल्ड. एंड 320 आर्स विल बी गिवन टू हूम? बोलो, अनस्किल्ड. किसको किसको नहीं आया ये? नहीं आया पूछ रहा हूं. क्या प्रॉब्लम हुई, समझ में आया आपको? ये वाला बेसिक मैथ्स है. टोटल आज ये स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए है. अपने को एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड आज निकालने. मटेरियल में भी अपन ने क्या किया था, एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल निकाल रहे थे. सेम वे में यहां पे आपको एक्चुअल आउटपुट के लिए कितने स्टैंडर्ड आर्स होंगे वो निकालना है आपको. जिनको नहीं आया, समझा क्या दोस्तों? नहीं समझा तो पूछना पड़ेगा. और फिर वो स्टैंडर्ड आर्स किस रेशियो में बांट दिया उसको? उनके नंबर ऑफ वर्कर्स के रेशियो में बांट दिया ना उसको. ये किया सबने? बोलो बच्चों, पक्का पक्का? फिर ये आ गया मेरे को क्या, बोलते क्यों नहीं, स्टैंडर्ड आर्स, बराबर. अगर मैं आपका टेबल बनाता हूं पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखता हूं स्टैंडर्ड, फिर यहां पे क्या लिखूं मैं, आर्स लिखूं ना, स्टैंडर्ड आर्स, रेट, अमाउंट. यहां पे क्या लिखना है? एक्चुअल, एक्चुअल आर्स, रेट, अमाउंट. फिर यहां पे क्या लिखूंगा मैं? स्टैंडर्ड मिक्स, दैट इज व्हाट रिवाइज्ड एक्चुअल आर्स. अरे बोलो, इसमें कोई डिफिकल्टी है अपने को? नहीं. अब उसके बाद यहां पे तीन कैटेगरी के लोग, वो कौन से है? वो स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है और अनस्किल्ड है. टेबल बनाया है ये, जिनका ऊपर तक का सही है, अब उन्होंने आगे चेक करना है. बट जिनको ऊपर वाला गलत आया वो समझ में आया क्यों गलत है, क्या मिस्टेक है समझ में आया? बोलो आया ना. हाँ, अब आर्स यहाँ पे दे रखे अपन ने, वर्किंग नोट टू से अपन निकालेंगे कितना है. 960 480 320. रेट क्वेश्चन में गिवन है क्या मेरे को? बोलो. 70, 65 and 50. आगे का तो बहुत सिंपल है फिर, बराबर. 960 into 70 कितना आया? 67,200. 480 into 65 31,200. And 320 into 50 16,000.
memory recall 1,14,400 एंड यहां पे कितना आई है 1760 क्या हाँ सॉरी 1,14,400 जमा गया यहां तक. अब बात होती है एक्चुअल आवर्स निकालने की. एक्चुअल आवर्स में क्या दिक्कत है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मल्टीप्लाइड बाय द 40 आवर्स पर वीक. अब एक्चुअली कितने, अरे भैया आवर्स चेंज कैसे होंगे, आप देखो ना नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हो गए ना या कहीं कम हो गए होंगे. अरे देखो यहां पे क्या बोला है उन्होंने, कैसे उन्होंने जानबूझ के ऊपर का टेबल में दिया, नीचे यहां पे लिख के दिया आपको. अब आपको एक्चुअल रेट 75, 60, 52 ये क्या हो गया, रेट हो गया. अब मेरे को आर्स अगर निकालने हैं तो क्या बोलता है वो, 40 इंटू कितने, स्किल्ड लोग कितने थे उनके पास, अरे बोलो ना, हाँ 40 स्किल्ड थे. सो 40 इंटू 40 करूँगा ना तो 1600 आर्स. जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए लिखता हूँ, 40 वर्कर्स है इंटू 40 आर्स है बराबर. सेकेंड में कितने अपने पास सेमी स्किल्ड में कितने लोग हैं, 10 सेमी स्किल्ड है, 10 इंटू 40 400. जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए लिखता हूँ 10 इंटू 40. एंड आखिरी में कितने लोग हैं, हाँ कितने लोग कितने, 5. सो 5 इंटू 40 200. समझ में आया ना कैसा, अरे बोलो. सो कितना हो गया, 1600 + 400 + 200. सो मेरे एक्चुअल आर्स कितने हो गए, 2200 इज द एक्चुअल आर्स. बोलो बच्चों, किसी को ये भी नहीं आया, ये आया 1600 × 75 1,20,000 400 × 60 24,000 200 × 52 10,400 मेमोरी रिकॉल 154,400 आया क्या आपको बराबर. अब स्टैंडर्ड मिक्स निकालेंगे, आएगा क्या निकालने को, क्या करना है, 2200 ये तो टोटल इधर 2200 ही आएगा अपने को मालूम है बराबर, बस उसको किस रेशियो में डालना है, उसको स्टैंडर्ड के रेशियो में डालना है. सो 2200 डिवाइडेड बाय 1760 मल्टीप्लाइड बाय 960 इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 960 इंटू 480 इज इक्वल टू 600 एंड डिवाइडेड बाय 480 मल्टीप्लाइड बाय 320 इज इक्वल टू 400. ये मेरा रिवाइज्ड एक्चुअल आर्स है, ये आएगा सबको. अब भैया अगर ये डेटा रेडी है मेरे पास, मेरे को क्या दिक्कत है बाकी कुछ निकालने के लिए, 10 नंबर सिर्फ. मैंने देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बोला था, ये देख रहा है क्या, पिछले क्वेश्चन में बोला ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये जमा आपके 10 नंबर सिक्योर्ड है बॉस. ये किया ना अपन ने, ये किया था ना, यही उसी के बेसिस पे क्वेश्चन था. बस क्या था, नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू द आवर्स और ये मल्टीप्लाई करना था, और कुछ भी नहीं था इसके अंदर, करेक्ट है. अब फटाफट मेरे को आंसर देने का, अभी फर्स्ट अभी कौन सा वेरिएंस निकालना है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस. ये तो ऊपर टेबल से आ ही जाएगा, पूरा वर्किंग तो करेंगे आप. 1,14,400 -1,54,400 इज इक्वल टू 40,000 आपका आता है एडवर्स. आया क्या, दो नंबर जेब में, दो नंबर जेब में. सेकेंड क्या निकालना है मेरे को, लेबर रेट वेरिएंस. फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल आर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट. लिखो ना फिर अपने, ये मटेरियल का जैसा तो करना है अभी, पूरा पूरा बोला तो था, करना क्या है फिर अभी यहाँ पे, स्किल्ड का क्या करना है, एक्चुअल आर्स कितने हैं स्किल्ड के, 1600. स्टैंडर्ड रेट कितना है, 70 माइनस 75 कितना आया, 5 × 1600 8,000 ना. ओ भैया
गलत कर लिया, उधर गलत लिखा, नंबर गए दो, क्लेरिकल एरर आ गया, समझो ऐसा करना नहीं। 8000 क्या हो गया, एडवर्स। फिर सेमी स्किल्ड के लिए कितने एक्चुअल आर्स है अपने, 400। स्टैंडर्ड रेट इज हाउ मच, 65, एक्चुअल रेट इज 60, सो 5 × 400, 2000 फेवरेबल। अनस्किल्ड का कितना हो गया, कितना है, 200 एक्चुअल आर्स। स्टैंडर्ड रेट इज 50 माइनस 52, 400 क्या हो गया, एडवर्स। टोटल कितना आया, 6400 एडवर्स, दो नंबर और जेब में। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों? भाई एग्जाम क्वेश्चन है, एग्जाम ICAI का लेटेस्ट अटेम्प्ट वाला, कर लो बात, इजी है क्या एकदम? इसीलिए बोल रहा हूँ मेहनत करनी है अपने को, आराम से करना है, कोई घाई नहीं करना। बट एक चीज़ ध्यान में रखना, सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ आपको सही आएगा, मेरे को मालूम है, फॉर्मूला में ये वो कोई टेंशन नहीं है। बेसिक डेटा सही नहीं निकालोगे ना, वहाँ पे गेम ओवर, समझ रहे बात? राइट, अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्या है अपना, सिक्स्थ। अभी अपने को लेबर एफिशिएंसी वेरियंस बोला है ना, सो लेबर एफिशिएंसी भी निकालना है, और लेबर नेट एफिशिएंसी निकालना है या लेबर एफिशिएंसी निकालना है, तीनों निकाल के दे देना, बोलो ना। उन्होंने बोला क्या है, उन्होंने आइडल टाइम बोला है ना उन्होंने, सो लेबर एफिशिएंसी मतलब कौन सा, एक काम करेंगे लेबर नेट एफिशिएंसी निकालेंगे, लेबर आइडल टाइम निकालेंगे, दोनों को ऐड करके बोल देंगे लेबर एफिशिएंसी वेरियंस इतना है, दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएगा ना, एग्जाम है, ऐड तो करना है उसको जी। सो क्या लिखना है अपने को, लेबर नेट एफिशिएंसी। सो लेबर नेट एफिशिएंसी कितना हो गया भाई, फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आर्स माइनस नेट एक्चुअल आर्स। अब उसके बाद क्या हुआ, स्टैंडर्ड रेट कितना है मेरा, पहले तो ये लिखता हूँ, स्किल्ड बेसिक डेटा, स्किल्ड सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट कितना है मेरा, 70, 65 एंड 50। स्टैंडर्ड आर्स कितने हैं मेरे, अपन ने निकाला ना ऊपर वर्किंग नोट से, 960, 480, 960, 480 एंड 320। अब यहाँ पे मेरे को नेट एक्चुअल आर्स निकालना है। क्वेश्चन में बोला है कितना आर्स लॉस्ट हो गया है, 4 आर्स वर लॉस्ट ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन। मतलब क्या हुआ, टोटल आर्स कितने थे अपने, 40, उसमें से आपके गए कितने, 4 गए, सो बचता कितना है, 36। सो बस आपको करना क्या है, फिर 36 × 40 कितना आया, 1440, बोलो रे हाँ। फिर उसके बाद क्या करना है अपने को, 36 × 10 360, एंड लास्ट में क्या बोलता है वो, हाँ 36 × 5 180। जमा के आपको नेट एक्चुअल्स कैसे आया बच्चों, हाँ। सो अभी आंसर, ये निकाला क्या किसी ने, पहुँचे नहीं अभी तक वहाँ तक, ओहो 960 माइनस 14440 इंटू 70 इज इक्वल टू 33600 वॉट। उसके बाद 480 माइनस 360 इंटू 65 7800 वॉट फेवरेबल। 320 माइनस 180 इंटू 50 इज इक्वल टू 7000 अगेन वॉट फेवरेबल। सो कितना आया टोटल, 33600 माइनस 7800 माइनस 7000 इज इक्वल टू 18800 एडवर्स आया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट 7, लेबर आइडल टाइम वेरियंस क्या होगा बच्चों, स्टैंडर्ड रेट इंटू आइडल टाइम, दिस विल ऑलवेज बी व्हाट, एडवर्स। सो स्किल्ड के लिए स्टैंडर्ड रेट कितना है, बोलो ना, 70 इंटू आइडल टाइम कितना है, अरे बोलो रे, अरे 4 आवर्स कैसे, पागल हो गए हो क्या, 4 आवर्स इंटू नंबर ऑफ पीपल करना पड़ेगा ना, तब जाके टोटल आइडल आवर्स आएगा, ऐसे क्या कर रहे हैं,
अरे भैया 1600 माइनस 1440 करो कितना आया 160 सो कितना आया 11200 एडवर्स फिर सेमी स्किल्ड कितना है उसका रेट कितना है उसका रेट 65 इंटू 40 इज इक्वल टू 2600 एडवर्स अनस्किल्ड का रेट कितना है 50 इंटू 20 इज इक्वल टू 1000 वॉट एडवर्स टोटल कितना आया 11200 प्लस 2600 प्लस 1000 14800 क्या हो गया एडवर्स लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू 18800 33600 क्या एडवर्स अब ये 33600 प्लस 6400 क्या मेरे को 40000 मेरा टैली हो गया 10 नंबर ऐसे लेके आने का अभी अरे समझा नहीं समझा कितना इजी था डिफिकल्टी कुछ भी है क्या इसके अंदर कुछ भी नहीं है अब क्या बचा मेरा लेबर मिक्स वेरिएंस ये तो आपके एकदम ऐसे मतलब चुटकी बजा के सॉल्व होगा ये क्या इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड मिक्स मतलब क्या रिवाइज एक्चुअल आर्स माइनस अरे बोलो ना एक्चुअल आर्स सो अरे मैं सॉल्व कर रहा हूँ मैं सॉल्व जो कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है क्या ऐसे नहीं वाओ सर तुम क्या मस्त सॉल्व कर रहे हो अच्छा है समझ में आ रहा है क्या पल्ले पड़ रहा है क्या रेस्ट ऑफ द डेटा इज सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन व्हाट मटेरियल द ओनली डिफरेंस इज आपको बेसिक डेटा आना चाहिए बोलो रे हाँ सो यहाँ पे अपन क्या लिखना है स्किल्ड फिर उसके बाद क्या है सेमी स्किल्ड उसके बाद क्या है अनस्किल्ड सो यहाँ पे वापस से आप मुझे स्टैंडर्ड रेट बताएंगे कितना है 70, 65 and 50 अब रिवाइज्ड एक्चुअल आर्स अपने कहाँ से आप देख के बताओ प्लीज 1200 600 400 अब एक्चुअल आर्स बताएंगे टोटल एक्चुअल आर्स बताएंगे ना अरे बोलो रे हाँ कितना है 1600 400 200 सो क्या आया अपना आंसर 400 इंटू 70 28000 एडवर्स 200 इंटू 65 13000 फेवरेबल 200 इंटू 50 10000 फेवरेबल टोटल 5000 एडवर्स कितना एकदम क्या इजी क्वेश्चन है भाई ए जम रहा क्या आपको हाँ जी फिर उसके बाद आखिरी में क्या बचता है अपना लेबर यील्ड वेरिएंस बोला है क्या निकाल दे क्या अपने प्रैक्टिस के लिए निकाल देते ना पूछा नहीं है कोई बात नहीं अपने प्रैक्टिस के लिए निकाल देते टोटल में भी मैच हो जाएगा चेक हो जाएगा ना अपना लेबर यील्ड वेरिएंस क्या फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आर्स माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल आर्स सो स्किल्ड सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड क्या है स्टैंडर्ड रेट 70, 65, 50 स्टैंडर्ड आर्स 960, 480, 320 रिवाइज्ड एक्चुअल आर्स इज 1200, 600, 400 सो बताइए 960 माइनस 1200 इंटू 70 16800 एडवर्स 480 माइनस 600 इंटू 65 7800 एडवर्स 320 माइनस 400 इंटू 50 इज इक्वल टू 4000 एडवर्स 28600 एडवर्स प्लस
5000 आया क्या 33600 टैली हो गया क्या कहाँ हुआ टैली हाँ हाँ इजी 10 marks अच्छा है क्या क्वेश्चन ये आपको बस इतना सा ऐसे सॉल्व करके आने का था किसका किसका नहीं हुआ लिख के लिखा नहीं ना अभी तक किसी ने हाँ लिखना है अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन नंबर रुको पहले लिखने से पहले हाँ अभी होमवर्क दे रहा हूँ लेट अस गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 7 मतलब मैं बता रहा हूँ बस पहले एग्जाम क्वेश्चन दिया अब जो मैं करा रहा हूँ अब ये तो क्वेश्चन पेपर और नोट्स तो पहले ही प्रिंट हो गए थे ना बोलो रे हाँ अब देखना बस क्वेश्चन नंबर 7 अभी देखना बस सोफिस्टिकेटेड फॉर्मेट में डेटा दिया है एग्जाम में ऐसा दिया है तो स्टैंडर्ड लेबर चलो पढ़ो फिर होमवर्क के लिए करना है इसको आना चाहिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट भाई द स्टैंडर्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्चुअल लेबर एंगेज इन 40 आवर्स वीक फॉर अ जॉब स्टैंडर्ड आवर्स दिए एक्चुअल आवर्स दिए सॉरी एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स दिए स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स दिए बस ये क्या टेबल में दिया है वहाँ पे क्या था वो टेक्स्ट में दिया है नीचे स्टैंडर्ड आउटपुट इज 2000 यूनिट्स एक्चुअल आउटपुट इज 1800 यूनिट्स अबनॉर्मल आइडल टाइम 2 hours इन द वीक कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वेरियंस एफिशिएंसी वेरियंस लेबर आइडल टाइम वेरियंस सेम बोलो सब टाइप कवर करने वाले हैं अपन कोई टेंशन लेने का ही नहीं आपको आई एम मेकिंग श्योर कि यू स्टडी एवरीथिंग द ईच पॉसिबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन समझ रहे क्या अब ये कर सकते क्या होमवर्क के लिए अब अगर मैं आपको ये ऐसे बिना क्वेश्चन पेपर आते हैं और मैं आपको बोलता बच्चों दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर 10 marks तुम बोलते थे ज़्यादा हो रहा सर सही बोल रहा हूँ कि नहीं सेम क्वेश्चन है बस वहाँ पे फिगर्स अलग अलग है वो गैंग वैंग लिखा है एकदम ऐसा ये वो बड़ा चढ़ा के दे यही तो खास बात है ना इसलिए तो मैं आपको जो जो क्वेश्चन एकदम बड़े बड़े क्वेश्चन देता था क्यों ये उनकी खासियत है जब बड़ा बड़ा करके लिखेंगे ना तो क्या हो जाएगा बच्चा कहीं ना कहीं घूमेगा देख के उसको डर लगेगा अरे यार ये क्या क्वेश्चन आ गया समझ रहे बात को एंड अगर मैं आपको ये पहले करवाता और फिर आप ये एग्जाम क्वेश्चन करते तो आप क्या बोलते हैं नाउ सर इट इज वेरी इजी बस मैंने उल्टा कराया आपको समझे बात को यस सो क्वेश्चन नंबर 7 इज फॉर होमवर्क देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 16 अब जरा होमवर्क अभी कर सकते ना ये वेरियंस इज प्रैक्टिस वाला मामला है भाई क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क एंड क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क जिसमें आपको मटेरियल और लेबर दोनों वेरियंसेस फाइंड करने एक ही क्वेश्चन में अब ये मत समझ सर ये 20 नंबर के लिए पूछेंगे क्या सो ये मटेरियल और लेबर वेरियंसेस दोनों आपको एक साथ इसमें दिखेंगे आपको ठीक है ना ए बच्चों सो आगे के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हैं मिक्सचर ठीक है चलो फटाफट नोट करो इसको 2 मिनट के अंदर एंड वी आर डन फॉर टुडे सो आई बिलीव लेबर में भी अभी कोई दिक्कत नहीं है क्या है ऊपर क्वेश्चन वापस लिखेगी क्या मजा आया क्या 10 नंबर मतलब अभी बस और पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए स्कोर करने के लिए तो पूरा मतलब पेपर बाकी है और अगर आपने देखे होंगे वो रिकंसिलेशन प्रोसेस कॉस्टिंग सर्विस कॉस्टिंग जितने भी अपने चैप्टर्स हुए उसके बेसिस पे टुडे यू कैन स्कोर एग्जेम्पशन के ऊपर आराम से फिर वो कराए तुमसे अलग लेवल के जानबूझ के वो क्या है पेशेंस पेशेंस मैंने तुमको बोला था तुम जब पढ़ रहे हो तभी बच्चे गालियां मारेंगे अरे कितना टाइम कितना ये क्या वो बट वंस यू गिव द पेपर ना एंड यू कम ना फिर वो दुआ है वो अलग है अभी गालियां तो आई एम रेडी बट बाद में वो जो मज़ा आएगा ना वो माहौल बनना चाहिए और तुम तो मतलब ऐसा तुमको तो 90 टारगेट रखना है 80-90 तो आना ही आना है आ सकते हैं 100 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कोई भी एक सिली मिस्टेक भी नहीं किया ना प्रेजेंटेशन अच्छा किया ना कहीं नंबर नहीं कटते प्रैक्टिकल पेपर में समझो बात को मेरा ऑडिट का बच्चा 94 लेके आता तो प्रैक्टिकल में तुम एनी टाइम यू कैन स्कोर गुड कोई बात नहीं
राइट फास्ट 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 सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है और दो क्वेश्चन थोड़े अनदर लेवल के इन द सेंस कि करना सेम है बस पहले मटेरियल के फिर लेबर के पहले लेबर के फिर मटेरियल के फिर जब हम लोग आगे आगे जाएंगे ना मतलब अभी आपने एग्जाम लेवल देख लिया बट मैं आपसे क्या कराऊंगा आगे अभी वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो फिर एक कंबाइंड ऑल वेरियंसेस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड फिर एक ऑल वेरियंसेस का रिवर्स मैकेनिज्म वो रिवर्स में किया था ना अरे बोलो हाँ वो करेंगे फिर ध्यान में रखना इसमें लेबर में वो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक जैसे मटेरियल में किया था एक फीफो लीफो याद है क्या हाँ वो लीफो या फीफो जब ओपनिंग का रेट नहीं दिया होगा तो स्टैंडर्ड रेट लेके खत्म करने का सो वो लेबर में नहीं होता लेबर में कैसा ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ना तो लेबर में नहीं रहेगा उतना ध्यान में रखना बस कहाँ आईपीसीसी में इसमें वो तो मटेरियल कॉस्टिंग में कहा होगा वो हो गया ये टेबल बना के चलो वेरिएंसेस लिखो फटाफट किया गया बेटा नोट लिखो अरे उसके फाइनल आंसर्स तो लिख छोड़ी हैं जिनको नहीं आया उनको बाद में खुद से ट्राई करना है तो कर लेना फाइनल आंसर्स टैली करने के लिए नोट कर लेना और ऐसा डिट्टो क्वेश्चन आपके पास है ही सेवेंथ वाला सो कोई टेंशन नहीं है जिसमें बच्चे खुश होते सेम टू सेम होमवर्क दिया तो अरे वाह चलिए 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 मिस्टर बटिंडा कितने आंसर सही आए वेरियंसेस सॉल्व नहीं हो पाया मतलब टाइम नहीं मिला या टाइम स्पीड अप करना पड़ेगा आपको और ध्यान रखना भैया क्लेरिकल एरर्स नहीं होने 6000 के 8000 तू गलत आदमी के बाजू में बैठा है झोलर है ये लाखों लाखों के गफले करता है कब क्या बोल रहा है और ये आदमी है ना पैसे खा जाता है ये अभी तो भी नसीब तेरा 2000 का इम्पैक्ट है ये लाखों लाखों में करता है आइडियली 1.8 मिनट्स यू हैव फॉर वन मार्क वी हैव 10 मार्क्स के लिए 18 मिनट बट जानबूझ के अपन क्या करना है उसको थोड़ा कम है अपन वो सब बाद में डिस्कस करेंगे पहले एक बार पूरा अपना ये हो जाएगा ना पोर्शन हो जाएगा ना उसके बाद अपन आई बिलीव वर्चुअल वालों को भी आया होगा अच्छे से है ना नहीं आया तो अपने फाइनल आंसर्स नोट करने हैं थ्योरी बेसिक एकदम अच्छे से समझाना बस बट सातवें आसमान में मत चले जाना लगेज भैया अपने एकदम सब कुछ हो गया प्रैक्टिस एसेंशियल है उसकी है ना बीच बीच में रिकंसिलेशन वाले प्रॉब्लम्स ले लेना कोई पहले पहले के टॉपिक्स कभी ऐसे टाइम मिलता ना एक प्रॉब्लम सॉल्व करो बट करो हुआ हुआ प्रॉब्लम जो भी होगा ना एक प्रॉब्लम करो बट करो मेमोरी फ्रेश रहेगा आपका नोट कर लिया आंसर्स हरी आप अगर टाइम मिलता तो सबका मतलब मेरे को बताओ किन किन का ऐसा लगता है कि सर टाइम मिलता तो पूरा सही आ जाता मतलब पूरा बाकी का कर ही लेते हैं एंड तक अच्छा जिनका स्टार्ट में मिस्टेक हो गया बराबर कि नहीं ध्यान देना कल भी बोला था मैंने कि स्टार्टिंग गलत तो एग्जामिनर आगे का पढ़ेगा ही नहीं आपका टाइम भी बर्बाद होएगा सब कुछ वेस्ट
तो इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करना. यस मेरे दोस्तों, ऑल सेट, ऑल डन कि नहीं अभी तक? मिस्टर बटिंडा राइट, फास्ट यार, कम ऑन राइट. जिसका हो गया वो लोग जा सकते हैं राइट. सी यू गाइस टुमारो. जिनका नहीं हुआ है मैं उनको और 30 सेकंड्स दे रहा हूँ कंप्लीट करने के लिए. ओवर ओवर. यस, थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू टुमारो. प्लीज होमवर्क के क्वेश्चंस करके आना, 3 क्वेश्चन से मजा आएगा. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.